जितने भी शास्त्र हैं, यहां तक कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा सब संसार के विभिन्न शास्त्र, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे चाहे भागवतम महापुराण हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, सब में क्या ही बताया गया है कि हम भगवान को भूल गए, हम पुनः भगवान को याद करें। बस अब यही लक्ष्य है, इसीलिए प्रस्तुत सारे पंथों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस लेके जाना। जितने भी पंथ है ना, सारे पंथों का मतलब तो यही है कि वो भगवान की ओर लेके जाएं, भगवत धाम की ओर लेके जाएं। सबके अंदर एक ही लक्ष्य बताया गया, शास्त्र गलत नहीं हो सकता। शास्त्र के अंदर जो है वो जीव को भगवान के पास लेके जाने की शिक्षा दी गई। किंतु, किंतु का मतलब है लेकिन, जो इस शास्त्र को गलत समझता है, तो जो वेद वादर्त लोग हैं वो वास्तविक जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, भगवत धाम को जाना, उसको भूलकर वो समझते हैं वेदों के द्वारा क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति, मुझे ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, इसकी पूजा से ये मिलेगा, उसकी पूजा से ये मिलेगा, लक्ष्मी पूजा करूंगा धन मिलेगा, शिव की पूजा करूंगा पति मिलेगा, सरस्वती की पूजा करूंगा ज्ञान मिलेगा, इसकी पूजा करूंगा ये मिलेगा। ये इंद्रिय तृप्ति वही भौतिक बंधन का कारण बनते, मतलब फिर जन्म मरण का चक्कर कैसे खत्म होगा, है ना। तो ये शरीर रूपी नाव क्यों मिली है, भवसागर को पार करने के लिए मिली, इस भवसागर के अंदर डूबे रहने के लिए नहीं मिली है। तो ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। वो वेदों का गलत व्याख्या, जो रियल उसका उद्देश्य है, उसको बताते ही नहीं है। वो वेदवादर्ता लोग क्या होते हैं, कर्म कांडी होते हैं, वैदिक लक्ष्य को बुला दिया और दूसरा अर्थ निकालते हैं कि भाई इसके द्वारा जन्म मरण के चक्कर में फंसो, स्वर्ग जाओ फिर मरो, स्वर्ग जाओ फिर मरो, यहाँ पर संसार में भी ऐश करो फिर मरो। ज्ञानी जन पुराणों की व्याख्या करेंगे और गलत कहेंगे तो सामान्य लोग जो पथभ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुराण के द्वारा ही तो वो सीखेंगे, यही तो उनके लिए वैदिक व्याख्याएं हैं। तो वेदवादरता लोग जो होते हैं वेदों की अपनी व्याख्या करते हैं।